बॉलीवुड एक्ट्रेसेस और बिग बॉस 9 की कंटेस्टेंट युविका चौधरी की जिंदगी में भूचाल आ गया है। जी हां, कल युविका को हरियाणा पुलिस ने अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने एक्ट्रेसेस से 3 घंटे तक पूछताछ की, हालांकि बाद में एक्ट्रेसेस को अग्रिम जमानत पर छोड़ दिया गया। जब युविका से पुलिस पूछताछ कर रही थी तो उस वक्त उनके पति प्रिंस नारूला भी उनके साथ मौजूद थे। बता दें कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद युविका हरियाणा के हांसी थाने में पहुंची थी। दरअसल युविका पर आरोप है कि उन्होंने अनुसूचित जाति के खिलाफ अपने ब्लॉग में अपमानजनक टिप्पणी की है। ये टिप्पणी उन्होंने बीते मई महीने में की थी, जिसके बाद काफ़ी हंगामा हुआ था और अनुसूचित जाति के लोगों ने एक्ट्रेसेस की टिप्पणी पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए हांसी थाने में उनके खिलाफ जमकर प्रदर्शन भी किया था। बता दें कि एक्ट्रेसेस के दिए बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था और उसके बाद अरेस्टेड युविका चौधरी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड भी किया था। शिकायतकर्ताओं ने वीडियो पुलिस को सौंपी, जिसके आधार पर उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई गई थी। इस खबर के बाद से युविका के फैंस काफ़ी परेशान हो गए हैं और भगवान से दुआ कर रहे हैं कि युविका इस मुसीबत से जल्द बाहर निकल आएँ। इससे पहले इसी पुलिस स्टेशन में क्रिकेटर युवराज सिंह को भी गिरफ्तार किया गया था और उनसे भी 3 घंटे तक पूछताछ की गई थी। इसके बाद उन्हें भी जमानत मिल गई थी।